वेलकम बैक गाइस टू माय YouTube चैनल, माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीमी डिवाइन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली बीबी की बहन से न्यू वीडियो आया है लव का हकार। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट फॉर चीट स्टार्ट। मेरी नींद उड़ गई है, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा हैंड खो गया है, मुर्गा खो गया, अबे चैन खो गया, और क्या हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है। एक सेकंड, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, पेड़ वेड़ का है, ये रहा रफी टांग के झूल जा। रुक यार, तेरी नींद उड़ गई है, तेरा चैन खो गया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, इसका मतलब क्या, तेरा चूतिया कट गया है क्या, प्यार करेंगे सिर्फ छुआ कह रहा है, मैंने आज तक उसको टह नहीं किया, अब ये टह क्या है, अबे टह टह टच, यही कंफ्यूजन उसके साथ नहीं होता, वो मुझे समझती है, क्या चूतिया मेरी बातों को समझती है, ही क्या समाज है, प्यार को खेल समझ के रखा है। मेरे को खेलना होगा तो विंजो पे लूडो ना खेल लू, इंडिया का बेस्ट गेमिंग ऐप है, 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स खेलते हैं, वो मेरी क्वीन बनेगी, इससे अच्छा विंजो ऐप पे चेस ना खेल लू, प्यार कोई शतरंज नहीं है, इसीलिए इस पे 100 से ज्यादा गेम्स हैं। क्यों खामखा लड़ाई कर रहा है, अभी लड़ाई से ज्यादा है, इस पे वर्ल्ड वॉर गेम भी खेल सकते हैं, जहां हारने के बाद भी पैसे जीत सकते हैं। सोची अभी ऐप डाउनलोड कर, 550 का वेलकम बोनस भी है और हर रेफरल पे 50 रुपए। ठीक है, मत दो मेरे पे ध्यान, अबे तू देश की गरीबी है क्या, अच्छा चलो उसका नाम तो बता, देश की गरीबी, देख 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 कैसे शर्मा रहा है, उसका नाम नहीं ले सकता, क्यों, ओल्डे मोटे मैच बता, नफर लग जाएगी उसको, अबे तेरी नजर पड़ गई उस पे, और क्या बुरा हुआ उसके साथ, यार तुम लोग समझ नहीं रहे, उसको देखते ही अपने होश खो देता हूँ, क्लोरोफॉर्म थूकती है क्या मैच, वो मुझे हर जगह दिखती है, उर्फी जावेद का भी ऐसा ही सीन है, अरे रुक ना यार तू चुप रह, भाई हम लोग इसलिए हैरान है क्योंकि फ्रेंकली हमें तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी, क्यों मुझे प्यार करने का हक नहीं है, इसके प्यार का मतलब फक नहीं है, मैं इसके रैटा मार दूंगा, अच्छा हम नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, गलत बात है, He has a soft corner for her. And a very hard center man. Gatari ko rupe. Khatam. Gatari ko rupe tari bahin ko. Eh, chup karo yaar. Tu naam bata. Fameer Fuddi. Abhe apna nahi, uska naam bata. Who? Ladki ka naam. Who? Abhe ladki ka naam, teri bandi. Oh my god, who? The girl you're talking about. What's her name? Angreji ka choda. Abhe motherboard, us ladki ka naam hai, who? Oh, choo. Who nahi, normal who, who? 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 हाँ एच यू हु, ये क्या नाम है, दो लेटर का नाम है, ये कैसा नाम है, एच यू, सच में गाड़ी में रखा कुत्ता बना दिया है, इतनी मुंडी हिलवा रहा है, और निकनेम क्या है, क्या अच्छा ब्रश करने से पहले गलती से नाम मत ले लिया उसका, अच्छा वो सब छोड़, करती क्या है, होर है, ओए तमीज से बात कर ले, लड़की के बारे में ऐसे बात कर रहा है, अबे मेरे दिल की होर है, चोर, वैसे वो पहले ट्रैवल एजेंसी में थी, वो मेरा जापान का वीजा लगवा देगी, तूने वो खबर नहीं पढ़ी, कौन सी, जापान में भड़वे अलाउड नहीं है, बताना कहाँ मिली, मिलना क्या है, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है, तूने तो बोला था ऊपर वाले अंकल ब्लाउज बनाते हैं, अबे बैल बुद्धि वो दर्जी है, उसकी बात नहीं कर, तू क्यों बीच में घुस रहा है, सबसे ज्यादा केक और चूतिया कटवाने का एक्सपीरियंस मेरा है बेंच, मैं तेरे को बता रहा हूँ, नया नया प्यार है, कुत्ता बीमार है, लड़की को बताने की हिम्मत होनी नहीं इसकी बेंच, रोज रात को मेरे घर पे पड़ा रहता है, कल रात को नींद में गालियां मक रहा था मुझे, तुझे गलत फहमी है, कैसी गलत फहमी, कि मैं नींद में था, मेरे वाईफाई से उससे बतियाता रहता है, हर 10 मिनट में घर पे कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे, मेरे पैसे ले, भाई दोस्ती में पैसे कौन गिनता है यार, उसका घर बस रहा है, तो बसाए ना बैंचो, पर सरिया मेरे पिछवाड़े में से ना निकाले, लाख फंड्स दे, उससे मिलता जुलता फब्द है, लेगा साला, अपने ही घर में कोहली और गंभीर है, उस दिन मैं डेट पे था तो बंदी ने बोला बेबी घर चलो वाइन पीते हैं, मैं समझ गया कि आज थोड़ा चीनी भी होने वाला है, तो मैंने इसको टेक्स्ट किया कि भाई 10 मिनट में फटाफट मेरे शहजादे के लिए शेरवानी लेके आ जा, तो कह रहा नुन्नू लैमिनेट करवा ले, मैं 10 मिनट में शेरवानी देने आऊं, क्या हूं मैं, ब्लिंकिट, अच्छा यार छोड़ो ना ये सब,
तू बता ना लड़की मिली कहाँ? मार्केट में अंडे दे रही थी। भोफड़ी वाला दुकानदार को अंडे वापस दे रही थी, उसने गलती से फात की जगह 9 अंडे दे दिए थे तो वो लौटा रही थी। छान मुर्गी आए। पता है उसके घर का नल का खराब हो गया था और कोई प्लम्बर भी नहीं था तो मैंने ठीक किया। उसके बेडरूम का बल्ब फूक गया था और कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं था तो मैंने ठीक किया। उसकी डाइनिंग टेबल की लकड़ी खराब हो गई थी और कोई कारपेंटर भी नहीं था तो तूने ठीक किया। तुझे कैसा पता? चुतिया गया प्यार यार, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने खुद उसको अपने हाथों से बनाया है। हाँ, हमारा तो प्रिंट आउट निकला था मैच। उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया? गाना गाया ना, It been a long day without you my who and I'll tell you all about it जब दोबारा मिलूं। चार्ली मुट मार्ली चुत। मैंने उसके लिए एक फायरी भी लिखी है, सुनाऊं? हाँ, मतलब वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता। वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता। तू मेरे साथ नॉर्थ कोरिया में रहे, कोई वहां तक आ ही नहीं सकता। तेरे हाथ और तेरे मुंह, बोलो बोलो, तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा। तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा अपना दिल, क्योंकि तेरे बिना ये जीवन जिया जा ही नहीं सकता। सही है, नहीं क्या कहता है, थोड़ा अलग है, मतलब डिफरेंट है। छोड़, उसने क्या बोला? अभी उसको सुनाया कहाँ, आज जब होटल जाएंगे तब सुनाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं, होटल कितना टाइम हो गया? 3:30। अबे तुम दोनों को आपस में कितना टाइम हो गया? ओ 8 दिन। 8 दिन में सीधा होटल? प्यार में अगर हो जाए अति तो फिर क्यों देखें गति। अरे तुम तीनों इधर हो? नहीं अंकल, हम तो नेपाल में, आप कहाँ? मैं दिल्ली में। अरे क्या दिल्ली में, वो भी दिल्ली में, तू क्यों मजे ले रहा है? पापा, समीर को वो हो गया इस उम्र में। अंकल यही तो उम्र है, मेरे चाचा जी को तो 65 साल में जाके हुआ था। 65? हाँ, डॉक्टर को दिखा दे जल्दी। डॉक्टर क्यों? अरे बवासीर का इलाज डॉक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? कारपेंटर। बवासीर क्या? बुढ़ापे में घुटने और चूतड़ दोनों बोलने लगते हैं बेटा। पापा उसको प्यार हुआ है। हाँ। ओह वाओ, रैली, I can't believe। मुबारक हो बेटा, एक आदमी को और क्या चाहिए जिंदगी में? क्या दिल की बंजर जमीन पर एक फूल खिल जाए, आय हाय हाय हाय, और 2 टाइम हिलाने की जगह मिल जाए। पापा आपको कुछ काम था क्या? अरे हाँ, कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहने आई हैं, बहुत भली हैं बेचारी, तो उनको इधर की चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा तो उनके लिए एक गैस सिलेंडर बुक कर दे फटाफट। समीर बेटा, तू ये आंटी जी को उस दिन मार्केट से घर छोड़ाया था? हाँ अंकल। अंडे रखवा दिए थे फ्रिज में अच्छे से? हाँ जी। वो नल का टेबल और बल्ब ठीक करवा दिया था? हाँ जी। अंकल ये आंटी जी की उम्र क्या होगी? ऐसे औरतों की उम्र नहीं पूछते। खैर मैंने पूछी तो उन्होंने 56 बताई। अभी अभी रिटायर हुई है ट्रैवल एजेंसी से। अब सोच रहा हूँ सारी तत्काल की ट्रेन की टिकटें उन्हीं से करवाऊंगा। उनका नाम क्या है पापा? उनका नाम नाम क्या था? हेलो। हाँ हूँ। अरे बंदर हो क्या? हाँ क्या हुआ? पर आज तो हम होटल जाने वाले थे ना तुम्हारे मैनिक्योर के लिए। चीनी वाली मम्मी बेंच, शुगर मम्मी। हाँ बाबा, मैंने वो घुटने का तेल बेड के बगल में रख दिया है। हाँ जी। दांत वो बेसिन के ऊपर देखो। हाँ मैंने साफ करके रख दी ऑलरेडी। ओके। अबे ओ तू पागल है क्या? 56 साल की लड़की भी क्या आंटी है वो? तू 56 साल की आंटी के साथ प्यार में? तो क्या वन वे ट्रैफिक है और तूने गैप देखा है? बोला तो आज होटल में मिल रहे हैं। अबे एज गैप, अबे 30 साल का गैप है वैंचो, ऐसा क्या पसंद आ गया उनमें? उनकी क्या जुल्फे हैं भाई, वो मिल्फे हैं। तू उनके सारे काम कर रहा है इसलिए वो तुझसे प्यार से बात कर रही है, उनको तो पता ही नहीं है कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अभी उनके घर आटा देने जाना है, तू उनसे आशीर्वाद ले और निकल। आशीर्वाद नहीं, वो दिनेश का आटा खाती है। वैंचो दिनेश कौन है? ए तू गप बस ना यार, तू ये सब रहने दे भाई, अपने उम्र की कोई आंटी लड़की ढूंढ। पर मैं उसका मितवा हूँ। तू उसका मितवा है? जी जी जी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ जी हाँ जी बेटा, ये हु आंटी जी का कॉल है, इनके लिए फटाफट एक रोमांटिक डिनर बुक कर दे, इनके पति आ रहे लंदन से। पति? पति? डन पापा डन 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 डन। What?
साले तेरे को पता नहीं था आंटी मैरिड है? नहीं, वो हमेशा कहती थी कि मर्द झाटू होते हैं, तो इसको लगा आंटी जी सिंगल हैं और अगर मैं दूसरे मर्दों की तरह बिहेव नहीं करूंगा तो आंटी जी सिंगल से मिंगल हो जाएगी। हाँ यही था। एक अच्छी भली औरत का संसार उजाड़ने वाला था तू। अच्छा बेटा, तीन लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी बेटी भी आ रही है। बेटी। अरे वाह बेटा, चार लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी दोनों बेटियां आ रही है। पूरा फैमिली डिनर बुक कर दे बेटा, दोनों बेटियों के बच्चे भी आ रहे हैं। डन पापा, ऑलरेडी बुक्ड। जिसको समझ रहे थे कोयल वो तोते निकले, ना जाने क्यों दिल लगाया उससे जिसके दो पोते निकले। क्या गजब का डायलॉग बनाया, जिससे लगाया दिल उसके दो पोते निकले। कितनी फनी भाई, सच में बीबी की भाई कितनी फनी वीडियो बनाते हैं। भाई से लव होता तो भी आंटी से लव होता है, उस ऊपर तो उनकी शादी भी होती है, उसके बच्चे मतलब बच्चे के बच्चे भी होते हैं। सच में यार क्या गजब का बनाया था, मुझे तो बहुत ही मजा आया, हंसी आई। आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।